हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे सूर्य पर इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, पेज ऑफ फायर आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। ये सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा लाइट वेज में प्रोसीड करना चाहते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ लाइट वेज में प्रोसीड करना चाहते हैं, तो कुछ तो बर्डनसम रहा होगा यहाँ पर, कुछ तो एक हैवी सिचुएशंस चल रही होंगी आप दोनों के बीच में। या तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हैवी चल रही होंगी, या तो फिर जो भी बातें हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन या तो ओवरवेलमिंग है क्लैरिटीज़ को लेकर या टाइम फ्रेम्स को लेकर, डेडलाइंस को लेकर। तो इस तरह की अगर एनर्जी आप दोनों के बीच में बनी हुई है, तो आपके पर्सन ये ज़रूर चाहेंगे कि आप इनका इंतज़ार करें। और ऑन दी अदर हैंड आप लोग हर चीज़ एक टाइम फ्रेम के चलते सब कुछ फिक्स करना चाहते हो, क्योंकि आपकी लाइफ हो सकता है इस पर्सन की वजह से काफ़ी सारे वेज में सफ़र कर रही होंगी। तो मतलब यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक डिसएग्रीमेंट है। कहने का यही मतलब है कि आपके पर्सन कुछ और चाह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप कुछ और चाहते हो। तो अगर ये डिसएग्रीमेंट में हैं आपको लेकर, तो ये शायद अपनी उस डिसएग्रीमेंट को आपकी तरफ स्ट्रेटली शो नहीं करना चाहते। रादर इन्होंने कोई बीच का रास्ता ज़रूर चूज़ किया होगा, जहाँ पर ये कैजुअल वेज में आपकी तरफ या तो कोई एक्शन रख रहे हैं, या फिर बहुत ही लिटिल वे में या लीस्ट वेज में चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। मतलब दे आर एस्केपिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ हैवी टॉपिक, जहाँ पर इनका बात करना तो बनता है, लेकिन ये बात करने से शायद अवॉइड कर रहे होंगे, डिसीजन नहीं ले सकते अभी, ऐसा टाइम होगा। और बस इन्हें इतना पता है कि यहाँ पर आपने जितना भी एफर्ट रखा है वो खाली नहीं जाएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा। इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर कनेक्शन। और आपको बस एक ही चीज़ यहाँ पर करना पड़ सकेगा कि आपको इंतज़ार करना पड़ सकेगा। शायद आपके पर्सन लिटरली एक थॉट ऐसी रख रहे हैं, या फिर हो सकता है बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन ने कम्युनिकेशन रख के आपकी तरफ ये सारी बातें कह दी होंगी कि आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, देर इज़ नो अदर वे आउट। तो शायद आपके पर्सन के और आपके बीच में एक वो यू नो हैवी सी एनर्जी चल रही होगी, जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मतलब आप भी ऐसा ही शो कर रहे होंगे कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बट आप भी खुश नहीं हो इनके किसी डिसीजन से। एंड जस्ट लाइक दैट आपके पर्सन को पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो, और जब आप इंटरनली खुश नहीं हो तो ये कैसे खुश हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ, जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छा फील करवाने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। और आपकी एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड हायरोफेंट वाली है। आपके बहुत ही ज़्यादा यू नो ग्रेट प्रिंसिपल, या आपके अंदर एक जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देने वाली पर्सनालिटी है, एक गुरु काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। यू नो गुरुज़ कैसे होते हैं, दे बिलीव इन सेक्रीफाइस, दे बिलीव इन कन्वेंशनल थिंकिंग, एंड इवन मैं बोलूँगी बहुत सारी चीज़ों में कंजर्वेटिव थिंकिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग उन सारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को जो बरसों से सदियों से चलते आए हैं, उन सारी चीज़ों को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि जब हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए कुछ किया है, कुछ वो कह कर गए हैं, तो वो सच होता है, वो सही होता है, कुछ भी गलत नहीं होता। ज़िंदगी को गुजारने का तरीका ही हमारे एंसेस्टर्स के वेज में होना चाहिए। तो ऐसी पर्सनैलिटी आप होंगे, यू नो अ प्रीस्ट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, जो कि रिलीजियस नॉर्म्स को आप फॉलो करते हो, और बहुत सारी चीज़ों को ट्रेडिशनली आप फॉलो करते होंगे। आपका बिलीफ सिस्टम मॉडर्न नहीं है, भले ही आप दिखते मॉडर्न होंगे, लेकिन आपके ख्याल बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं। यू बिलोंग्स टू द ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। तो यस, आपने शायद ऐसा ही कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू अपने पर्सन की तरफ रखा है कि आप कहाँ तक इस कनेक्शन को अलाउ कर सकते हो, आइदर टू वेट और टू वॉक अवे, जो भी आपकी आपके बीच में कन्वर्सेशंस हुई हैं। इसीलिए तो शायद आपने डेडलाइंस रखी हैं, आपने यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज सेट किए हैं, और वो बाउंड्रीज ज़्यादातर
रिलीजियस वैल्यूज को दर्शाती होंगी या फिर ट्रेडिशनल वैल्यूज को दर्शाती होंगी। तो यहाँ पर आइदर वे आपके अंदर वो एक स्टिफ पर्सनालिटी आपके पर्सन को नज़र आ रही है, जो कि किसी भी मामले में आप कोई बीच का रास्ता नहीं चुनना चाहोगे, या तो ये या तो वो, बीच का कुछ भी रास्ता यहाँ पर आप लेना नहीं चाहते। एक्सट्रीम्स में आप बिलीव करते हो कि जाना है तो पूरा जाना है, या फिर अगर लीव करना है इस कनेक्शन तो पूरी तरीके से लीव कर देना है। तो ऐसी कन्वेंशनल थिंकिंग आपकी होगी। यहाँ पर आपकी नैरो थिंकिंग नहीं है गाइस, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि आप अपनी बातों से इस पर्सन को उस लेवल तक ज़रूर इम्प्रेस कर रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को दर्शा रहे हो कि आपने बेसिक चीज़ों को समझ लिया है ज़िंदगी से, जिससे ज़िंदगियाँ चलती हैं, ज़िंदगियाँ बनती हैं, ऐसी सारी चीज़ों को आपने सीख लिया है। यहाँ पर हम उम्र की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप उम्र में इनसे छोटे भी हो तो आपको लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा। आपने या तो रिलेशनशिप फेलियर्स देखे हैं तब जाकर आपकी ऐसी कन्वेंशनल थिंकिंग बन गई है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो शायद इस तरह की बातें आप अपने पर्सन को कन्वे करने की कोशिश कर रहे होंगे, जहाँ पर आपके पर्सन समझ तो रहे हैं कि आप जो कह रहे हो या फिर आप जो कर रहे हो बहुत ही सही कर रहे हो, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपके पर्सन अभी आपकी कोई बात नहीं मान सकते, तो शायद इसीलिए या तो ये एस्केप कर रहे हैं या तो ये छुपे हुए हैं, आपसे नजरें नहीं मिला रहे होंगे, आपसे किसी कम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं आपसे, एस्केपिंग मोड में अभी बने हुए हैं कि अभी इस टॉपिक को हम नहीं डिस्कस कर सकते, मुझे मतलब टाइम लगेगा इन सब चीज़ों पर कम बैक करने के लिए, मुझे यहाँ पर एक ज़रूर टाइम फ्रेम दरकार है और मुझे इतना समय लग सकता है। तो शायद आपके पर्सन भागने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। तो ये जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जो भी यहाँ पर एक डिसएग्रीमेंट बना हुआ है, एक कशमकश आप दोनों के बीच में जो भी बनी हुई है, एक स्ट्रगल, तो ये कहाँ पर प्रोसीड हो रहा है? मैसेंजर ऑफ एयर एंड द सन। देखो, सन ऑलवेज टॉक्स अबाउट द मेंडिंग, अ कॉम्प्रोमाइज, लाइक रिकवरी भी कह सकते हैं हम। अगर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्सन होती जा रही है आप दोनों के बीच में, अगर ये मैटर कहीं को भी नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को मानकर चलें कि एक कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर आएगा। यहाँ पर आपके पर्सन शायद आपकी बातों को एग्री करेंगे और ऑफ कोर्स इस कनेक्शन के लिए बैटल करना ज़रूर चाहेंगे। अगर इन्हें अपने किसी बिलीफ सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है या फिर आपके बिलीफ सिस्टम को अगर इन्हें फॉलो करना पड़ सकता है, क्योंकि आप सही पर्सनालिटी हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपकी हैरोफेंट वाली एनर्जी देख रही हूँ, और ये लोग जो भी कहते हैं, जो भी इस एनर्जी में होते हैं ना, ये लोग जो भी कह रहे होते हैं भले ही सुनने के लिए बहुत कड़वा लगता है, लेकिन वो सच होती हैं बातें, ठीक है ना। इस चीज़ को अचीव करने के लिए एक लंबा एक्सपीरियंस ज़रूरी है, लाइफ का एक लंबा फेज काटना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर कोई इंसान एक हायरोफेंट की एनर्जी में चैनल हो सकता है, और अगर आपने स्पिरिचुअलिटी का वो मकाम ऑलरेडी हासिल कर लिया है जहाँ पर आपने लिटरली बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है अपने लेवल्स पर, क्योंकि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखने से कोई कोई एक्सपीरियंस नहीं होता गाइस। अगर वो उस पर्टिकुलर से फेज से गुजर रहा है, उसने फेलियर्स अपनी आँखों से देखे हैं, उस पेन से अगर वो इंसान गुजर चुका है, तभी वो एक्सपीरियंस उसके अंदर आता है, तभी वो चीज़ों को समझने लगता है। तो रिलेशनशिप की बात जहाँ पर भी आ रही है, आपने फेलियर्स देखे हैं, आप बहुत ज़्यादा हो सकता है धोखा दिए गए हो, मतलब आपके साथ बहुत लोगों ने बिट्रे किया होगा, आपके साथ इनजस्टिस रखा होगा, और आपको पता है कि साइकिल्स कैसे चलते हैं, क्या पैटर्न्स हैं, और कौन इंसान किस तरह से आपका एडवांटेज उठा सकता है, कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है, और क्या क्या ऐसी गलतियाँ रही हैं जिसके चलते आपको एक धोखा मिला, या फिर जो भी है, एक कैलकुलेशन भी कह सकते हैं इस बात को हम। तो ऑफ कोर्स आपने सारी कैलकुलेशंस रख कर देख ली और अभी आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हो,
और ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। आप एक क्लैरिटी चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, आप सब कुछ एक सही मैनर में, प्रिंसिपल्ड मैनर में तय करना चाहते हो। कोई भी आप शॉर्टकट नहीं लेना चाहते यहाँ पर। जो होगा तरीके से होगा, कायदे से होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा सकते आप। मतलब एक सेक्रीफाइसिंग एनर्जीज भी है आपके अंदर। इफ़ यू गाइज रियली वॉन्ट टू लीव दिस कनेक्शन, आप लीव भी कर सकते हो, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपना सकते। ऐसी शायद आपने बातें अपने पर्सन की तरफ कही हैं और इसी वजह से आपके पर्सन खुद को बहुत सारे वेज में ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे या अपने लिए स्टैंड लेना चाहेंगे। मतलब इनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स नेगेटिवली चलते होंगे, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में हैं जो सही वेज में नहीं चल रही हैं और वहाँ पर इन्हें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो शायद ये खुद को बहुत ज़्यादा इमेच्योर मानते हैं आपके सामने। आप एक गुरु काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी हो, तो आपकी हर बात सही होती होगी। प्रेडिक्शंस की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी फोकास्ट या बहुत सारी प्रेडिक्शंस आपकी सही होती होंगी इनके लिए। तो ये इवेंचुअली आपकी बात मानेंगे यहाँ पर, और एक मेंडिंग ज़रूर यहाँ पर आ सकती है। तो गाइस आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। ये इतनी इजीली प्रोसीड होने वाली एनर्जी नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन को लिटरली एक ट्रांसफॉर्मेशन से होते हुए आगे गुजरना होगा, एंड देन इट कैन बी पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स का साइन रीबर्थ वाला आपको मिला है, तो आपके पर्सन की यहाँ पर रीबर्थ होगी, इनके थॉट्स की रीबर्थ होगी, इनकी पर्सनैलिटी की एक रीबर्थ होगी, इस सिचुएशन की एक रीबर्थ होगी। कुछ तो यहाँ पर ब्यूटीफुली आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो कि इवेंचुअली द सन वाली एनर्जीज में आप दोनों ही चैनल हो सकते हो। एक पॉजिटिविटी आप देख सकोगे इस पर्सन में भी, इनकी पर्सनालिटी में भी, और ये आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर अब इनको लगता है कि ये समझ नहीं पाते हैं आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी हो, तो आपकी बहुत सारी बातें इनके सर के ऊपर से चली जाती होंगी। बट आप कहते वही हो जो सही है। तो आपके तक की विजडम इन्हें प्राप्त करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन तो लगेगी, है ना? तो इसी वजह से यहाँ पर यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है रीबर्थ का। तो आएगी, यहाँ पर ग्राउंडिंग आएगी, फाउंडेशन बैठेगी, बस आपको इंतज़ार करना है। आप जिस भी पाथ पर बने हुए हो वो बहुत ही सही पाथ है, इसी चीज़ को आपने कंटिन्यू करना है गाइस। ऑलराइट, तो इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन जो है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।